पाकिस्तान एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। पिछले करीब चार दिन से उत्तरी कश्मीर में टंग धार के सामने गुलाम कश्मीर ने नीलम और लीपा घाटी में पाकिस्तान ने अपने तोपखानों की दिशा बदलने के साथ ही गतिविधियां भी तेज कर दी हैं। शनिवार को पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर में सैन्य चौकियों के अलावा करीब एक दर्जन गांवों को निशाना बनाते हुए मोर्टार दागे। इसमें अग्रिम चौकी पर तैनात एक सैनिक शहीद हो गया जबकि दो अन्य जवान घायल हो गए। गोलीबारी से सीमा पर कुछ जगह आग भी लग गई है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को तबाह कर दिया। रात तक दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही। गोलीबारी के बीच घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। गोली जब लोगों के घरों के आसपास गिरने लगे तो भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां तबाह हो गई हैं। सीमा पार कई जगहों से धुआं उठता देखा गया है। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने कुछ समय के लिए गोलीबारी बंद की लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सीजफायर उल्लंघन शुरू कर दिया।